हेलो फ्रेंड्स, कुक टेस्टी फूड बाय वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम मैंगो आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने गैस पर हमने पतीला चढ़ा दिया है और उसमें हमने 2 ग्लास हमने फुल क्रीम दूध लिया हुआ है। आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। तो इस पर हम इसे पहले अच्छी तरीके से हम गैस पर हम इसे गाढ़ा होने तक हम अच्छे से चला लेंगे, पहले गर्म कर लेंगे और इसे हमें चलाते रहना है बराबर। देखिए, दूध में उबाल आ चुका है और अब इसे हम फ्लेम को कम कर देंगे। और ये हमने मैरी बिस्किट का हमने 5-6 मैरी बिस्किट को हमने मिक्सी जार में डाल कर हमने इसे चूरा कर लिया है। अब इसे हम जैसे आप कस्टर्ड पाउडर डालते हैं बस इसी तरह बिल्कुल उसी तरह हमें ये इसका हमें कस्टर्ड पाउडर की तरह हमें इसका एक घोल तैयार कर लेना है। आप कोई और बिस्किट भी डाल सकते हैं लेकिन ये बिस्किट अच्छा होता है, इसमें बिल्कुल भी इस तरीके से। अब घोलने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम चला देंगे। अब इसी स्टेज पर हमें इसमें चीनी डाल देना है। ये हमने चीनी को हमने पाउडर कर लिया था मिक्सी जार में डालकर। इसमें हमने 2 छोटी इलायची हरी इलायची हमने पीस दिया था, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे अब हम गाढ़ा होने तक चलाएंगे। इसमें फ्रेंड हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और फूड कलर डालने के बाद हम इसे हमने फूड कलर डाला है, फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम चला देंगे। देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब फ्लेम को हम कम कर देंगे, कम फ्लेम पर इसे हम चलाते रहेंगे और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देखिए ये गाढ़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। फ्रेंड देखिए, और ये है ये हमने जो आम का जो गूदा है मैंगो, हमने एक बड़ा सा हमने मैंगो लिया हुआ था। ये फ्रेंड हमने एक बड़ा सा आम लिया हुआ था और ये बड़े से आम को हमने इस तरीके से हमने इसे काट कर इसके अंदर का गूदा काट कर इसे मिक्सी जार में इसका हमने वो बना दिया है, इसका पल्प निकाल दिया है आम का। तो अब इसमें हम ये जो हमारा जो दूध हमने गर्म किया था ये अब गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें हम डालकर चला लेंगे एक बार अच्छी तरीके से मिला कर चला देंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा ही डालेंगे, थोड़ा सा हम आलमोंड, ड्राई फ्रूट आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें डालकर हम चला लेंगे एक बार, ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाकर हम इसे पहले चलाएंगे, बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड, अभी से मिक्सी जार हम चला लेंगे, चलाएंगे फिर बंद करेंगे, चलाएंगे फिर बंद करेंगे, ऐसे करेंगे। पहले एक बार चला लेंगे फिर बंद कर लेंगे, ऐसे हमें 3-4 बार ये प्रोसेस चलाकर बंद करेंगे, ऐसे करके हमें 3-4 बार प्रोसेस करते रहना है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा हो गया है ना। एक बार और हम चला लेंगे, इसे हम किसी बर्तन। देखिए फ्रेंड, अब एक डिब्बे में हम इसे निकाल लेंगे।
आप किसी प्लास्टिक के डिब्बे में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है तो आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में इसे आप निकाल दीजिए। एक बार अच्छी तरीके से हमें इसे टैप कर लेना है, इस तरीके से टैप करने के बाद इसके अंदर हमें अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट डालना है हमें, क्योंकि आगे भी हम इसे एक बार चलाएंगे। ये फ्रीज़र में रख देना है ढक्कन लगा कर, वो भी तेज तेज कर, बिल्कुल फ्रीज बिल्कुल हाई पे होना चाहिए फ्रिज। फ्रेंड देखिए, अब फ्रिज से हम 2 घंटे के बाद हमने निकाला है इसे, तो अब निकाल कर इसे एक बार फिर मिक्सी जार में डाल के हम इसे चला लेंगे। फ्रेंड देखिए, इसे मिक्सी जार में डाल के हमने चला लिया है एक बार, और 2 घंटे के बाद फ्रिज में रखने के बाद, तो अब इसे हम फिर से उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे इसे डिब्बे में। फ्रेंड देखिए, अब एक बार चलाने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से फिर से टैप कर देंगे, और अब टैप करने के बाद इसे कोनों को एक बार हम जो कोनों को अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। इसके बाद ये हमने आलमंड काटा हुआ है, आलमंड हमने काट के रखा है, आप कोई भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसे हम वापस हम एक बार ऊपर से हम गार्निश कर देंगे, हम ढक्कन लगा देंगे। इसे ढक्कन लगा के हम 8 घंटे तक हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद हम खाने के लिए इसे निकालेंगे। फ्रेंड देखिए, 8 घंटे के बाद हम इसे फ्रीज़र में से हम इसे बाहर निकालेंगे। हमने फ्रीज़र में से इसे बाहर निकाल लिया है 8 घंटे के बाद, देखिए। और अब हम इसे देखिए, हम इसे निकाल कर दिखा रहे हैं। जैसे गोल वाली कलछी है, तो उसमें आप इसी तरीके से आप इसे निकाल लीजिए। बहुत ही बढ़िया हमारा मैंगो आइसक्रीम बना है, इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए मैंगो आइसक्रीम। हमारी फ्रेंड हमारी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी आपकी रेसिपी आपके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मेरे चैनल को लाइक। फ्रेंड हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारी रेसिपी अच्छी लगी।